करके थोड़ा सा बोल्ड दिखाने की कोशिश की है लिपस्टिक पिंक नहीं लिया है बिकॉज मुझे लगा बहुत ज्यादा पिंक हो जाएगा सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट स्केचिंग टू द वीडियो सो गाइज़ इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ऐड क्यों की हैं क्योंकि वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है सो so आपको एग्जैक्ट मेकअप दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी कुछ पिक्चर्स ऐड कर दी हैं सो चलिए अब मेकअप शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर टोनर अयूर का टोनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आपके पास कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं एंड टोनर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन को क्लीन भी कर देता है प्लस आपके जो स्किन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है मॉइस्चराइजर आपके स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, जो मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है वो है बायोटिक का सैंडल मॉइस्चराइज़र इसमें एस पी एफ होता है सन से आपको प्रोटेक्ट करता है आपके फेस को आपके स्किन को एंड ये बहुत ही अच्छा है सो so, आपको पूरे फेस पर लगाना है और आपको अपने नेक पर भी अप्लाई कर लेना है सो so, देन मैं यहाँ पर प्राइमर की जगह पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छे से प्राइमर का, का काम करता है और आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट बनाता है और इसके बाद आप जो भी मेकअप करते हैं वो ड्राई नहीं लगता है बहुत फ्लॉलेस सा लुक आता है इससे सो so इसको भी आपको फेस एंड नेक पर भी अप्लाई करना है देन नेक्स्ट स्टेप आता है लिप बाम का आपके जो लिप्स हैं वो डिहाइड्रेट नहीं लगने चाहिए ड्राई नहीं होनी चाहिए तो आप लिप बाम जरूर लगाएं सो so अब मैंने लिया है यहाँ पर फाउंडेशन जो कि है लेकमी का और मेरी शेड है इसमें मीडियम बेज सो so, इसको थोड़ा सा लगा लेना है आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है डॉट डॉट फॉर्म में मैं इसको लगा रही हूँ नेक पर फेस पर पूरे पर अच्छे से लगा लेना है एंड गाइस जो ये वीडियो है ना इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा है क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मेकअप दिखाया है जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी और एडिटिंग uh, के टाइम पे मैं कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी क्लिप uh, रखनी चाहिए कौन सी क्लिप कट करनी चाहिए सो so, काफ़ी ज़्यादा टाइम इस वीडियो की एडिटिंग में मुझे लगा है तब जाके ये वीडियो इतनी हुई है बट आई होप कि आप इस वीडियो में बोर नहीं होंगे सो so, अब मैंने यहाँ पर इसको ना जो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंडिंग के लिए जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया इसको पानी में डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था ताकि बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा फ्लॉलेस लगेगा एकदम सो so, अब मैंने यहाँ पर जो कंसीलर लिया है वो स्विस ब्यूटी का है मेरा शेड मीडियम बेज है इसमें और अगर आपको लगता है फेस पर कुछ ब्लेमिशेस हैं डार्क सर्किल हैं तो आप अपने ड्राई पर माउथ एरिया पर लगा लें इसको और बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अगर आपका बेस अच्छे से सेट से नहीं होगा ना सो तो आपका जो ओवरऑल लुक होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा सो तो ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है सो so, बस मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर तब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ मुझे लगे कि हाँ अच्छे से स्किन मेरी दिख रही है मेरा मेकअप बाकी मेकअप के लिए मेरी स्किन रेडी है तब तक मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी सो so, अब मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है फिर से क्योंकि मैंने अपनी आई एरिया पर थोड़ा सा मिस कर दिया था और उसको मैं अच्छे से लगा लूँगी ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसके बाद जो भी मैं आई शेडो वगैरह यूज़ करूँगी ना उसका जो कलर है बहुत ही अच्छे से आएगा एंड मैं यहाँ पर अब कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का फिटनी अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से इसको लगा लें अपनी अंडर आई पर क्योंकि अगर आई शेडों के बाद आपके कुछ फॉल आउट्स भी होते हैं ना थोड़ा बहुत कलर इधर उधर लग जाता है तो वो भी इजीली हट जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाली हूँ अपनी ब्राउज और ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल ली है मिस क्लेयर की साथ में इसके स्पूली भी आती है आप इजीली अपनी जो ब्राउज़ है उसको कॉम कर लें पहले अच्छे से देन उसके बाद मैंने जो पेंसिल है उसकी हेल्प से ना पहले ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करूँगी फिर नीचे आपको हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है एंड आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे आपको कलर की ज़रूरत है एंड बस उसके अकॉर्डिंग आपको कलर फिल कर लेना है एंड आपको जो पेंसिल है वो बहुत ज़्यादा हार्शली अप्लाई नहीं करनी है नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और अच्छी नहीं दिखेगी सो so, जब आपके ब्राउज़ आपको लगे कि हो गई है आप इसको लास्ट में थोड़ा सा ना ब्रश कर लें फिर से जो स्पूली आती है साथ में इसकी एंगुलर ब्रश हो उससे भी आप कर सकते हैं ताकि एक फिनिश्ड सी से शेप आ जाए और आपकी जो ब्राउज़ है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी क्योंकि ब्राउज एक ऐसी चीज़ है ना अगर आप मेकअप भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने ब्राउज़ की है और हल्का सा लिप बाम और लिपस्टिक लगाया है तो बहुत ही अच्छा आपका फ़ेस दिखता है सो so, बस ये हो चुका है सेकेंड वाले मैंने ऑफ कैमरा की है सो so, नेक्स्ट है हमारा आई शेडो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है वेट एंड वाइल्ड की रोज इन द एयर आई शेडो पैलेट और जिसमें से पिंक शेड पिक किया है और इसको मैं आउटर साइड पर जो कलर है उसको प्लेस करूँगी अंदर की साइड इसको ब्लेंड करूँगी और थोड़ा सा ना मैं इसमें डार्क शेड ले रही हूँ लाइक डार्क सही अप्लाई करूँगी इसको और ब्लेंडिंग के लिए बाद में हम दूसरी शेड ले लेंगे फिलहाल मैं पिंक शेड का ही यूज़ कर रही हूँ और जो अंदर का एरिया है वहाँ पर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर दूसरी शेड अप्लाई करूँगी उसको फिलहाल के लिए एज इट इज़ छोड़ रही हूँ सो so, आपको जस्ट इसी तरह से सेम प्रोसेस से अप्लाई करते रहना है बाहर की साइड थोड़ा सा प्रोडक्ट रखना है और अंदर की साइड ब्लेंड करते रहना है नेक्स्ट जो शेड है मैंने जो थोड़ी सी ब्रिक टोन है ना वो ली है यहाँ पर और उसकी हेल्प से मैं इसको पूरे को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कलर हमने डार्क ही रखना है इसको लाइट नहीं करना है सो so, ब्लेंड करते रहिए जब तक आपको लगे कि अच्छी सी शेप नहीं आ गई है आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक उसको आप ब्लेंड करते रहिए क्योंकि अगर ब्लेंडिंग आपकी अच्छे से नहीं होगी अगेन पूरी आई मेकअप ख़राब हो जाएगी और वो अच्छी नहीं दिखेगी सो so, अब मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा स्टिफ सा ब्रश लिया है सी एंड इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर जो हाईलाइटर वाली शेड इस पैलेट के अंदर आती है उसको लिया है और जो इनर कॉर्नर्स है ना वहाँ से ले थोड़ा हाफ आई तक इसको जस्ट प्लेस कर रही हूँ प्रोडक्ट को मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ इस कलर को जस्ट प्लेस किया है मैंने एंड देन अगेन मैंने जो लाइट सी शेड इस पैलेट में आती है वो वाली शेड ली है और इसको भी मैंने इसी तरह से प्लेस कर दिया है इसको भी मैंने ब्लेंड नहीं किया है जस्ट प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी शार्प क्रीज चाह रही थी कि एक क्रीस सी बन जाए और इसीलिए मैं उसको ब्लेंड नहीं करूँगी जस्ट ऐसे ही क्रीज बनाकर छोड़ दूँगी सो so, अब मैंने यहाँ पर जो बहुत थिन सा ब्रश आता है वो लिया है और अपनी जो लोअर लाइन्स हैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ जो पिंक शेड है ताकि जो आई का मेकअप है वो मैच हो हमारी आईज अच्छी दिखें अधूरी सी ना लगे सो so, बस आप जिस तरह से आ, कोई भी ब्रश ले लीजिए चाहे फिंगर की हाथ से भी कर सकते हैं आप इसको बस आपको हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और आइज़ के नीचे इसको लगा लेना है सो so, इससे क्या होता है जो आपकी आई है जो नीचे के कलर है ना बहुत ही सुंदर आता है दोनों आई लाइक ऊपर और नीचे दोनों का कलर जब मैच होता है ना तो बहुत ही सुंदर सी हमारी आईज दिखती हैं और द, द, देन आपको अगर लगे कि थोड़ा बहुत फिनिशिंग देने की ज़रूरत है उसको अच्छे सेट कर लीजिए एंड दैट्स डन दोनों आइज़ हो चुकी हैं एक मैंने ऑफ कैमरा की है सो so, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है काजल का काजल मैंने यहाँ पर ली है वी -सी -सी की एंड इसको मैं अपर लाइंस पर यूज़ करने वाली हूँ नीचे नहीं लगाऊंगी और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने एक हाथ से मिरर पकड़ा हुआ था और मैं अपनी आइज़ को ना स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी सो so, जब आप इसको अप्लाई करें अपर लाइंस पर आप हल्के से फिंगर की हेल्प से ना अपनी जो आई है उसको स्ट्रेच कर लें तब इसको अप्लाई करें इससे क्या होगा ना जो आपकी आई है उसका बहुत ही सुंदर सा शेप आ जाता है सो इट्स डन एंड नाउ इट्स आएम टू गो फॉर मस्कारा मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैशेस और अपर लैशेस पर अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है एंड गाइस मस्कारा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट मतलब सबका ऐसा होता है ना कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है तो वैसे मेरा मस्कारा है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की वॉट्स योर फेवरेट प्रोडक्ट आपको क्या अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो बस आप इसको इसी तरह से अप्लाई कर लें जब तक आपको लगे कि आपके जो लाशिज़ हैं वॉलीमिन सी नहीं हो गई हैं सुंदर सी नहीं दिख रही हैं सो इट्स डन और दूसरी मैंने ऑफ कैमरा कर ली है और अब बारी आती है ब्लश की ब्लश के लिए मैं ये जो पीच सा मेरे पास क्रेन है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ एंड ये ना ब्लश का, का काम बहुत ही अच्छे से करते हैं आपको जस्ट हल्का सा कलर लेना है आपके पास भी कोई लिपस्टिक हो ना पिंक हो पीच से कलर की हो तो आप जस्ट उसको लीजिए हल्का सा फिंगर की हेल्प से और स्माइल करिए और आपके जो चीक्स होते हैं ना वहाँ पर इसको अप्लाई कर लीजिए अब मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए हल्की सी शेड चाहिए ताकि जो हमारे चीक्स हों वो पिंकिश से हो जाएँ एंड दैट्स इट हमें उतना ही चाहिए कलर सो so, आप इसको फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं मैंने जो न्यूड मेकअप वाली वीडियो बनाई थी उसमें फिंगर की हेल्प से किया था सो so, नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं सो ब्लश का काम भी पूरा हो चुका है हमारा और अब बारी आती है लिपस्टिक की और लिपस्टिक के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं पिंक शेड अप्लाई करूं कि न्यूड शेड ही अप्लाई करूं सो दैन आई डिसाइडेड टू गो फॉर न्यूड शेड आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि पिंक शेड ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ये वाली भी अच्छी लग रही है सो so, ये अप्लाई हो चुकी है और अब हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो हाईलाइटर मेरे पास है वो इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रिक हाईलाइटर और मेरे पास फैन ब्रश नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ जो मेरे पास फ्लफ़ी ब्रश है उसको आगे से थोड़ा सा प्रेस करके एज अ हाई ब्रश इसको यूज़ कर रही हूँ सो so, जो भी आपके हाइलाइटेड एरिया है लाइक चीक बोन्स हो गई ब्राउज बोन्स हो गई फोहेड पर तो जो भी एरिया है ना आप यहाँ पर लगा लें इसको अच्छे से सो so, मैं इसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ और लिप्स के पास लगाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिन सा ब्रश लिया है चिन के पास अप्लाई कर रही हूँ उसको ब्राउज़ बोन के पास भी अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से सो so, ये लग चुका है एंड लुक एट द ग्लो हाइलाइटर से कितना सुंदर सा ग्लो आ जाता है फेस पर एंड नोज़ पर भी लगा लें आप इसको सो इट्स डन और अब मैं इयर पहन रही हूँ सो so ये हो चुका है अब हाइलाइटर में थोड़ा सा ना जो नेक बोन्स है वहाँ पर भी अप्लाई करूँगी जो भी नेक बोन्स होते हैं जो हाईलाइट होती हैं वहाँ पर भी इसको अप्लाई करना है सो so आप इसी तरह से इसको अप्लाई कर लें इससे क्या होगा ना आपके फेस के साथ साथ आपके जो आ, बोन एरिया होगी नेक बोन एरिया वहाँ पर जो शाइन आएगी उससे जो आपका ओवरऑल लुक होगा ना उसको ये बहुत ज़्यादा प्यूटी बना देगा सो इट्स डन एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक आप मुझे बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा है लुक एट द शाइन गाइज हाईलाइटर की कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है सो so कॉमेंट करना मत भूलिएगा और लुक आपको कैसा लगा है नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा सो so, यही आज का वीडियो था मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो टिल देन बाय बाय गाइस टेक केयर